अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जिसमें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, तो जिसमें फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने लगे हैं बाय फैक्टराइजेशन जी के तरीका से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। x2 - x - 20, इसको हमने इक्वल टू 0 है, इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो इसमें वेरिएबल x है, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलिए x2 देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बनाने का ये तरीका क्या होता है कि जो 20 है कांस्टेंट नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट 1 है, 1 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 - 20 और 20 को हमने इस तरह अरेंज करना होता है। पहले एलसीएम लेंगे, 2 10 एंड 2 5 5 1। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -1x है, तो इसको इस तरह रेंज करना है, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये -1x आए। तो देखिए इस तरह रेंज कर सकते हैं 5x + 4x - 20 = 0। देखिए हमने क्या किया, हमने 20 को इस तरह 5 4 20 हो रहा है और 5 माइनस प्लस होता है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये भी आ रहा है हमारे पास। तो फैक्टर्स बन गए हैं ये हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर 20 के बन गए। अब हमने इसमें से क्या करना है, इन दोनों को लेंगे इस तरह कंसीडर करेंगे और इन दोनों को, इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे मुश्तरक x और x की 2 है, एक x इधर आ गया और एक x अंदर, माइनस x कॉमन आ गया 5 को इधर, इसी तरह प्लस 4 इन दोनों में पड़ा हुआ है इस तरह x माइनस 4 5 आर 20, ऐसे इसको कॉमन लेना है 4 5 आर 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें अब हमने क्या करना है, ये एक टर्म है ये वाली और ये वाली दूसरी टर्म है, तो क्या हो रहा है देखें x माइनस 5 इसमें भी बड़ा हुआ है, x माइनस 5 इसमें भी है, तो कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और इसमें से x माइनस 5 कॉमन, x अंदर और प्लस 4, ये x माइनस 5 कॉमन और प्लस 4 ये आ गया आपके पास ऐसे इज इक्वल टू 0, ऐसे कह देते हैं। आम लफ्जों में ऐसे बच्चों को कह देते हैं कि इस इन दोनों में से एक अरेंज कर लें और इसको मिला के लिख लें ऐसे, लेकिन असल बात वही है जो मैंने आपको पहले बता दी है, ये कॉमन आ गए। अब क्या करेंगे जी, अब हम इनको, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में कि अगर a डॉट b दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो a भी 0 होगा, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, आइदर देखते हैं हम इधर, आइदर या a 0 होगा या b, या दोनों ही 0 होते हैं। तो देखें ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x माइनस 5 ये भी आपके पास 0 और x प्लस 4 ये भी आपके पास 0, तो इसमें से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें से x की वैल्यू -4। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट बना के लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 - 4, ये आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। तो देखें प्लीज स्टूडेंट, हमने जो है वो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है उसको पेयर्स बना के सॉल्व किया और सॉल्यूशन हमारे पास x जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू दोनों की x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की जाने चलते हैं। देखें इसमें भी क्या करेंगे, हमने इसको भी सॉल्व करना है, y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, y² = ये मल्टीप्लाई हो गए y² हो जाएगा और इस तरह ये 5y हो जाएगा। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इनको उठा के ले आए जी इधर -y² और इसी तरह प्लस 5y = 0।
अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 3y² - 1y² इधर लिखवाना लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2y², तो अब ये 5y, इनमें से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाला तो आपके पास आएगा जी सॉरी y (2y + 5) = 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, दोबारा से आप क्या कह सकते हैं y = 0 और देखें और लिखेंगे इधर एंड में लिखेंगे और 2y + 5 = 0। तो देखें इसमें से y की वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो निकल आई है और इसमें से y की वैल्यू 2y = -5 एंड y = 2, इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5/2। y की वैल्यू -5/2 आ गई है। तो आप सॉल्यूशन सेट लिख सकती हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है इस पार्ट नंबर 2 का आ चुका है जी हल सेट y = (y - 5/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट को भी हमने सॉल्व किया है तो y की वैल्यू सॉल्यूशन सेट निकल आया है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 1 by 1 बाय फैक्टराइजेशन से इसके 5-6 पार्ट्स हैं उसको सारों को डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।